नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए जिला दर्शन, अर्थात राजस्थान में कौन कौन से जिले पाए जाते हैं और उनकी कौन कौन से राज्य से उनकी सीमा लगती है तथा उनकी आकृति किस प्रकार है, जो अधिकांश से राजस्थान पुलिस, पटवारी, SSC, इसके साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आइए सबसे पहले ये राजस्थान का मानचित्र है। इस मानचित्र में सबसे पहले ये अनुभव होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आइए चलते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं और किस किस जगह पाए जाते हैं। तो क्रम के अनुसार सबसे पहले जो यहाँ जिला पाया जाता है मेरे विद्यार्थियों, ये जिला है श्री गंगानगर है। ये गंगानगर जिला है। यहाँ जो जिला है वो आपका बीकानेर है। बीकानेर के जस्ट बाद में यहाँ जिला है जैसलमेर है। जैसलमेर जिला है। इसी प्रकार यहाँ जिला है बाड़मेर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिले हैं। यहाँ इस साइड में स्थित है पाकिस्तान है। इसी प्रकार इसी क्रम में यहाँ जिला है जालौर है। जालौर स्थित है। इसी के जस्ट पास में यहाँ जिला सिरोही है। सिरोही से जस्ट नीचे ये जो क्षेत्र है वो है उदयपुर का है। उदयपुर के जस्ट पास में ये जो क्षेत्र है वो प्रिय साथियों डूंगरपुर है। इसी प्रकार ये जो है डिस्ट्रिक्ट वो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बांसवाड़ा है। इसी प्रकार वापस इधर से चलते हैं। ये जो जिला था आपका गंगानगर है, इसके जस्ट यहाँ जो जिला पाया जाता है वो है हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ से जस्ट इधर जो जिला है वो चूरू है। चूरू के जस्ट पास में ये जिला है वो झुंझुनू है। झुंझुनू के जस्ट पास में प्रिय साथियों यहाँ जिला जो पाया जाता है वो सीकर की स्थिति है। सीकर से जस्ट बाद में ये जो लोकेशन बनी हुई है राजस्थान में इस प्रकार, ये जयपुर जिला है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। ये यहाँ जो जिले की स्थिति है वो अलवर है। अलवर के जस्ट पास में ये जो है वो भरतपुर है। ये भरतपुर है। इसी प्रकार ये जिला धौलपुर है। धौलपुर से जस्ट जो नीचे की तरफ है दक्षिण में वो जिला है करौली जिला है। करौली से जस्ट नीचे प्रिय साथियों सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है। इसी के जस्ट पास में ऐसे जो राजस्थान को, मध्य प्रदेश को दो बार छूता है वो प्रिय साथियों कोटा है। कोटा के जस्ट पास में यहाँ बारा है। बारा से जस्ट नीचे ये जो क्षेत्र है वो झालावाड़ जिले की है। इसी प्रकार झालावाड़ से जस्ट बाद में फिर कोटा है। कोटा से जस्ट बाद में ये जो साथियों भीलवाड़ा की स्थिति है। भीलवाड़ा से जस्ट बाद में ये घोड़े की नाल की आकृति जो बना हुआ है वो है आपका चित्तौड़गढ़ है। ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है। चित्तौड़गढ़ से जस्ट पास में
ये जो जिला है यहाँ वो जिला प्रतापगढ़ है। ये प्रतापगढ़ है। तो प्रिय साथियों, इसी प्रकार जयपुर के दक्षिण में टोंक है। टोंक के जस्ट नीचे बूंदी है। जयपुर के, ये जयपुर है, तो इसके जो ये दिशा है वो पूर्व है। अतः ये पूर्व हो गई, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो जयपुर के पूर्व में दौसा जिला स्थित है। इसी प्रकार जयपुर के पश्चिम और दक्षिण में, पश्चिम और दक्षिण में वो जिला है नागौर है। नागौर की स्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार आगे अजमेर है। इसी के जस्ट पास में, अजमेर के पश्चिम में वो पाली है। इसी प्रकार ये जोधपुर है। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पाली के साइड में, अर्थात पाली के पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वो राजसमंद है। राजसमंद फिर, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके राजस्थान के 33 जिले हैं जिनकी स्थिति इस प्रकार है। तो आइए एक बार चलते हैं कि राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ स्थित है एक बार। तो श्री गंगानगर देखो, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के जस्ट पास में यहाँ प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा। कोटा के बाद में ये मेरे छात्रों बारा, बारा के बाद में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और ये भरतपुर, अलवर, फिर जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। इसी प्रकार जयपुर, जयपुर के जैसे टोंक, बूंदी, दौसा, नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली, जोधपुर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आपके 33 जिले जिनकी स्थिति कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस जिले के नजदीक पाई जाती है। इसी प्रकार अब अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कितने जिले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिले हैं। एक है गंगानगर है, दूसरा बीकानेर है, तीसरा जैसलमेर है और चौथा बाड़मेर है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान को छूती है, 4 जिले हैं। इसी प्रकार राजस्थान की जो पड़ोसी राज्य है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा, इधर पंजाब लगता है। इसके जस्ट पास में यहाँ हरियाणा है। इसी के जस्ट पास में इधर यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये एमपी है, यहाँ तक एमपी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये आपका गुजरात है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे राजस्थान के 33 जिले जो पाकिस्तान के नजदीक स्थित है, उन जिलों की स्थिति, तथा साथ राजस्थान के नजदीक कौन कौन से राज्य स्थित हैं उनकी स्थिति बताई। अब अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा कि राजस्थान के कौन कौन से जिले किस किस राज्य से स्पर्श करते हैं और उनकी कौन कितनी लंबाई है, तथा पाकिस्तान को छूने वाले कौन कौन से जिले जिनकी लंबाई, तथा सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है, कुल परिधि कितनी है, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो अगले वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। देखते रहे, धन्यवाद।